जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, ये सबसे पहले मैं ये वीडियो आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैं इस वीडियो में आगे जो बताने वाला हूँ, तो पहले एक बार आप छोटी सी क्लिप देख लीजिए। ये क्या सपने पाले थे आपने? आपने बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी, यही सपने देखी थी हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। या तो हमें जॉब दो, या ज्वाइनिंग दे दो, या तो हमें आत्महत्या करने की परमिशन दे दो, इन दोनों में से एक दे दो, हमारी यही मांग। से पुलिस वाले वादा करते करते लाठी चार्ज कर दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया और हमारे दोस्तों की SSGD वाले कैंडिडेट के पांव भी फ्रैक्चर हो चुके, कई जनों को बहुत मारपीट कर चुकी होती। हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, कोविड 1 साल झेला, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला। तो दोस्तों आपने जो देखा अभी, ये SSGD 2018 की जो फाइनल मेट में रह गए उन बच्चों के मतलब आंसू हुआ है, मतलब ये इनके आंसू नहीं है, इनका दुख है। जो मतलब 3 साल, अगर आपको इसको वही समझ पाएगा जो 3 साल तक किसी वैकेंसी का वेट कर रहा हो, 3 साल तक मतलब उसके लिए मतलब दिन रात मेहनत किया हो उसके लिए, या काफ़ी टाइम से जो जैसे उन्होंने बोला कोई 8 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद नंबर नहीं आने के बाद में अब इनको मतलब दुखी हो गए, क्योंकि घर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग इंसान का, ज़्यादातर जो लोग जो फौज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के जो माँ बाप होते हैं वो किसान वर्ग या मध्य वर्ग या बिल्कुल निम्न स्तर के परिवार के लोग होते हैं, और बच्चे भी काफ़ी ट्राई करते हैं कि क्यों ना हम अपनी परिस्थितियों को चेंज करें, लेकिन होता क्या है कि अब आप इसको इनके आंसू बात अलग सी मान लो या एक इत्तेफाक मान लो या कुछ भी मान लो, बाकी जो रूल है वो तो रूल के हिसाब से ही रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमको रोने से, अगर मैं बोलूं कि मैं अगर मेहनत करूं और बाद में पेपर में रह जाऊं, उसके बाद में अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये मिल जाना चाहिए या ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, तो हर एक बार मेरिट आती है, इस बार कोई अलग से मेरिट नहीं आई, हर बार मेरिट आती है, हर बार मेरिट में बचे रहते हैं, चाहे वो कोई से भी स्टेट की पुलिस हो, चाहे कोई IPS पेपर हो। लोग IPS के लिए कितनी तैयारी करते हैं, रोड लाइटों पे बैठ बैठ के भी कुछ लोग तैयारी करते हैं IPS UPSC फाइट करने के लिए, वो भी रह जाते हैं और वो तो 10-10 साल 12-12 साल तक तैयारी करते हैं, तो मेहनत आपने की है। तो दोस्तों पहली बात तो एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ सीख लेना आप, कि अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे, ये वो लोग हैं जो पॉइंटों से नंबर 1 से नंबर 1.5 से इनसे रहे हैं, और जो टीचर की जो लोग तैयारी करते हैं ना वो भी ऐसे ही रहते हैं, 10,000 की वैकेंसी में टीचर की वैकेंसी होती है, तब उसकी भी जब मेरिट बनती है 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल से उसका भी रिजल्ट आता है हर एक स्टेट में। SSC की तो हर एक वैकेंसी का ही हाल है कि 2-3 साल का समय लग ही रहा है, तो मतलब सिर्फ पॉइंटों से रह जाने की वजह से आपको देख लो मतलब किस प्रकार से मतलब आप दुखी हो जाओगे, ये आज ही अंदाज़ा लगा लेना इस बात का, ठीक है? ये इसको आप संदेश मान लेना अपने लिए कि जो ये बच्चे रो रहे हैं ना, ये नहीं रो रहे हैं, इनकी जो पीड़ा अंदर वो रो रही है, इतने साल से तैयारी की, SSGD में यहाँ तक पहुँचे और फिर फाइनल मेट में रह जाना, कितना दुख होता है वो मुझे पता है, क्योंकि जिस दिन फाइनल मेट आई थी उस दिन मेरे पास में कम से कम नाइट में 10 से 15 या 20 कॉल आए होंगे जो बच्चे रह गए हैं, और मतलब ऐसे रो रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई गलत काम ना उठा कर ले ये, ठीक है? और अभी भी कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर अब हम क्या करेंगे, तो मैं उनको भी उस समय भी यही बोल रहा था कि ये ज़िंदगी है, सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में, ऐसा नहीं होता है कि वो जैसे वो शायरी है ना कि सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है मेरे दोस्त, तो सब कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, ठीक है? लेकिन हार नहीं माननी, जो इंसान हार मान जाता है ना उसका कुछ नहीं। तो जब उनसे बोला तो मैं वो बार बार बोले कि सर अब हम क्या करेंगे, तो मैं उनको एक ही बात बोला था कि क्या करेंगे मतलब क्या, आपने इतनी मेहनत की इस बार रहे हो, फिर से तैयारी करो आने वाले एग्ज़ाम में जिसमें आप अवेलेबल हो उसकी, अगर मेरे से हो सकेगा मदद मैं आपको बुक दिला सकता हूँ, आपकी कोचिंग का खर्चा उठा सकता हूँ, जितने बच्चों का मैं कर सकता हूँ उतनों को कर सकता हूँ, उनमें से 2-4 बच्चों को तो मतलब इतनी गरीब स्थिति है उनके मतलब माता पिता भी रोने लग गए, ठीक है? जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनके माता पिता भी मतलब इतना मतलब इस प्रकार से रोने लग गए, कई के परिवार की स्थिति मतलब बहुत ही मतलब निंदनीय, बहुत ही दयनीय है, तो उनके तो मतलब माता पिता भी रोने लग गए, तो मैंने भी उनको भी जब बोला था उस बच्ची को भी कि कोई बात नहीं आप तैयारी करना,
आपकी कोचिंग का खर्चा मैं उठा लूँगा, लेकिन आप तैयारी करना फिर से। अभी आपकी एज है, और नहीं तो RPF कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आ रही है उसमें 25 साल एज है, CPSI की वैकेंसी आ रही है उसमें भी एज का आपको क्राइटेरिया बड़ा मिल जाता है, लेकिन आप तैयारी करो। अब इस यहाँ पर आके आप छोड़ो मत, हार मत मानो, ठीक है। वही बच्ची मेरे को 3 दिन बाद में वापस कॉल करके, मतलब 2-3 दिन तक कनेक्ट में रहा, तीसरे दिन उसने बच्चे ने कॉल करके बोला कि अब मैं मतलब स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ और वहाँ से मेरे फीस का खर्चा भी निकल जाएगा, तो वो इतने पैसे दे रहे मेरे को तो पढ़ा लूँ क्या सर? तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ो, बिल्कुल सही बात है जो बोल रहे सर कि अब मैं पढ़ाने जाऊँगी और फिर से तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तो वो होता है जज्बा, ठीक है। तो जज्बा आपको दिखाना पड़ेगा आपको, अगर आपकी इन परिस्थितियों से निकलना है तो, ठीक है, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी अपने अंदर, खुद के अंदर, ठीक है। कि सब कुछ पाकर तो हर कोई हंसता है, लेकिन इस ज़िंदगी में खुश वही रहता है जो बहुत कुछ खोके भी मुस्कुरा दे, ठीक है। जो आपने खोया है ना, कि जो नहीं है वो ख्वाब है, जो है जो लाजवाब है। मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, उसकी मर्ज़ी के ऊपर कोई नहीं चलता है। आप इतने दुखी हुए, मेरी बहन है, मैंने उनका जो वीडियो देखा, मेरे को खुद को भी मतलब आंसू आ गए, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी कनेक्टेड हूँ SSGD कैंडिडेटों से, और दुख भी होता है बहुत ज़्यादा। मुझे पता है इन परिस्थितियों में क्या होता है, क्योंकि SSGD में मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मेरा छोटा भाई भी रहा था, लेकिन अगले साल वो राजस्थान पुलिस में लग गया था, तो उसके लिए भी दुख हुआ था। और भी मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे जो हम साथ में तैयारी करते थे, वो रह गए थे, ठीक है। उनमें से कुछ बच्चे लग गए हैं, कुछ अभी भी तैयारी कर रहे हैं। इन बहनों को देखा, इनके आंसू देखे, तो मैं उनको एक चीज़ बोल रहा हूँ अभी यहाँ से, फिर एक मैं संदेश दे रहा हूँ। मुझे पता है भले ही आप लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन मैं, आप मेरे को अपना भाई समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपके पास में ये लोग आ रहे हैं, या जो भी मीडिया या जो भी है ना, ये सिर्फ आपके आंसू बेच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपके आंसू बेच रहे हैं, इस बात को मत भूलना। यहाँ कोई नहीं है तेरा, तेरे को खुद को ही बनना पड़ेगा। तेरा खुद ही मेहनत करेगी, खुद ही पढ़ेगी, और ज़्यादा पढ़ेगी, एग्ज़ाम और फाइट करेगी, तो जीवन अच्छा होगा। किसी के सामने आंसू रोने से या बहने से, आंसू आंखों में से आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कायरों की निशानी होती है, ठीक है। रोने से मैं आपका दुख तकलीफ सब समझता हूँ, लेकिन यहाँ दुनिया में ना लोग सिर्फ जो रोते हैं ना, उनके सामने तो सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ नहीं करते हैं। ये आपने देख लिया, आपके सामने पहले भी आ चुकी है ये चीज़ें। अब और मैं आपको बता रहा हूँ, आप रोते हो, आपको सहानुभूति भी देंगे लोग उस समय के लिए। आपके अभी एक चैनल आया ना आपके पास में, धीरे धीरे 2-4-5 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपके आंसू दिखाएंगे लोगों को, देख के लोग भावुक हो गए, उनके उनको उस चीज़ से आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रियली ग्राउंड में जो बात होनी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कि अगर आंख में आंसू आया ना, तो खुद पहुंच लेना, अगर कोई और पहुंचने आया ना तो सौदा करेगा। तो ये आपके साथ में सौदा ही हो रहा है, वो आपके आंसू पहुंचने नहीं आ रहे। आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, उसको अपनी हिम्मत बनाओ, फिर पढ़ाई करो। आप बोलो घर परिवार, अरे घर परिवार कैसे मेंटेन नहीं हो सकता? आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, परिस्थितियों को आप बदल सकते हो। ऐसा है ही नहीं कि परिस्थितियाँ नहीं बदलती, किसकी नहीं बदलती है परिस्थितियाँ। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन परिस्थितियों में आप हो ना, हम तो इनसे भी बेहतर परिस्थितियों में रहे हैं, ठीक है। इनसे भी मतलब गए गुजरे हाल में हम जिए हैं, तो हमको पता है परिस्थितियाँ बदलने की हिम्मत होनी चाहिए खुद में, लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए खुद में। अब खुद में हिम्मत नहीं है तो दूसरों के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चाहे मेरी बहन हो, चाहे कोई भी हो, अगर मेरे को हिम्मत करनी पड़ेगी, मेरे को हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अगर मेरे को कुछ करना है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। और मेरिट हर बार आती है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि मेरिट में बच्चे बाहर हुए हैं, हर बार मेरिट में बच्चे बाहर होते हैं, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। 3 साल नहीं, 5 साल बाद में आएगी तो भी मेरिट में बच्चे बाहर होंगे, 5 साल बाद में भी पूरी ज्वाइनिंग नहीं होगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी, आप सभी को पता है, इससे पहले एक बार वैकेंसी अटकी थी, वो 3 साल 3.5 साल में क्लियर हुई, तो क्या सभी को ज्वाइनिंग देती थी? नहीं दी थी। राजस्थान गवर्नमेंट में टीचर की वैकेंसी 4 साल से कंप्लीट हुई थी, किसको ज्वाइनिंग दी थी? सभी को ज्वाइनिंग दे दी थी? नहीं, जिनका नंबर आया केवल उन्हीं को। उनमें से भी फिर गैस चलाया और 1 साल बाद में ज्वाइनिंग हुई है, मतलब 5 साल बाद में एक बंदा पेपर देके 5 साल बाद में टीचर बना है, और 5वें साल में उसको जब ज्वाइनिंग दी तभी से उसकी पेमेंट शुरू हुई है, और वो भी जिनका नंबर आया उनका। तो ये कोई अलग नहीं हुआ है, ठीक है। आपको बात कड़वी लग रही है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, हिम्मत करो फिर से, किरक हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो और चलो कोई बात नहीं, फिर गिर गए और उठो।
आप में काबिलियत है, मैं पहले भी बोला, आप तैयारी करो और ज़्यादा तैयारी करो। वैकेंसियाँ ही सब कुछ नहीं है, अगर आप में दम है तो आज सभी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सभी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, यहाँ तक भी ऐसे लोग भी है जो IPS में लगे हुए भी क्विट कर चुके हैं जॉब को, मतलब IPS IAS सिविल सर्विसेज में लगे हुए लोग भी क्विट कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, उनमें इतना टैलेंट आ गया है कि वो आज IPS IAS बना रहे हैं, बने नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो उसमें इतना दम है, मेहनत की उन्होंने। हर एक बंदा जब पहुंचता है ना ताज में, उसको लगता है कि मतलब ये तो ऐसे आ गया, ऐसे नहीं आया, वो स्ट्रगल करके आया है। तो आपको भी स्ट्रगल समय आपका, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, फिर से तैयारी करो। गवर्नमेंट सर्विस में बोल रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है, अगर आप में दम है ना तो आज इंडिया में सभी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, आप में दम होना चाहिए। तैयारी करके, तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाइए, और एक सब्जेक्ट आपकी जिसमें पकड़ा उसकी तैयारी करिए, उसमें धुरंधर बन जाइए और पढ़ाइए, कोचिंगों में पढ़ाइए, इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, अपना खुद का कोचिंग ओपन करिए, ऑनलाइन आज यूट्यूब पर पढ़ाइए, लेकिन खुद को हिम्मत जुटाओ, दूसरों के सामने आंसू मत बहाओ। ठीक है, यहाँ लोग आपके आंसू बेच देंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, लोग आपके आंसू बेच देंगे। ठीक है, ये मेरा संदेश है मेरे सभी उन बहनों के लिए जो SSGD में रह गए या कोई भी वैकेंसी में रह गए, उन बच्चों के लिए रखो हौसला, सब कुछ होगा उससे। जय हिंद, जय भारत।